नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। क्यों दिल्ली में सबसे वीवीआईपी सीट है नई दिल्ली, जहां से बनते रहे हैं सीएम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान आने जारी हैं। इन चुनाव में दिल्ली की जिन अहम सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें नई दिल्ली सीट सबसे ऊपर है, जहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल पिछली बार भारी बहुमत से जीते थे, इस बार वो फिर इसी सीट से लड़ रहे हैं। पहले ये सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। लोकसभा चुनाव में भी ये नई दिल्ली सीट का हिस्सा होती है। वर्ष 2008 में ये सीट पुनर्गठन आयोग द्वारा फिर से बनाई गई थी, लेकिन ये सीट हमेशा से चर्चा में रही है। पिछले करीब 16 सालों में ये सीट दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री देने वाली सीट के तौर पर चर्चित रही है। वर्ष 2008 में इस सीट से शीला दीक्षित जीती थी, तब वो तीसरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। तब उन्होंने बीजेपी के विजय जौली को हराया था। तब शीला दीक्षित को इस सीट से 39,778 वोट मिले थे, जबकि जौली को 25,796 वोट। लेकिन इसके बाद वर्ष 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने दिल्ली की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। ये आंदोलन अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, लेकिन बाद में मतभेद के चलते केजरीवाल उनसे अलग हो गए। तब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। वर्ष 2013 में जब दिल्ली में चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव में कूदी और उसने जीत हासिल की। वर्ष 2013 के चुनाव में नई दिल्ली सीट पर पहली बार शीला दीक्षित को हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्हें हराने वाले थे केजरीवाल, जो तब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। तब केजरीवाल को 44,269 वोट यानी 53.46% वोट मिले थे, जो एक रिकॉर्ड था। शीला को उनके मुकाबले केवल 18,405 वोट मिले थे। हालांकि इस चुनाव में किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला था। तब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 8 सीटें। कांग्रेस के समर्थन पर उन्होंने 4 जनवरी 2014 को दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन 45 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई। इसके बाद वर्ष 2015 में दिल्ली में फिर चुनाव हुए। अब की बार केजरीवाल फिर नई दिल्ली सीट से खड़े हुए। अब की बार उनके वोटों में और बढ़ोतरी हुई। उन्हें 57,213 वोट मिले यानी 64.34%। इस तरह केजरीवाल ने जबरदस्त जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अब की बार उनकी आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 66 सीटें जीती थी। केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने। इस तरह देखे तो नई दिल्ली सीट दिल्ली की सबसे वीआईपी सीट बन गई। इस सीट में इस बार 1,37,924 वोट हैं। इस बार नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के मुकाबले कांग्रेस ने रमेश सबरवाल और बीजेपी ने सुनील कुमार यादव को खड़ा किया है। सुनील यादव ने दावा किया था कि वो केजरीवाल को हरा देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे ये देखने वाली बात होगी कि इस बार केजरीवाल को यहाँ से कितने वोट मिलते हैं। फिलहाल रुझानों में केजरीवाल ही आगे हैं। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।